यूपी में आज से योगी राज की शुरुआत होने जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ की देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोश होनी है। योगी के साथ दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शपथ लेंगे। लखनऊ के स्मृति उपवन में 2:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी की फौज में 43 मंत्री शामिल होंगे। लखनऊ में स्मृति उपवन का योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचे। स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने गेस्ट हाउस से बाहर आकर समर्थकों से मुलाकात की। उन्होंने डीजीपी जावेद अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवशीष पांडा और एसएसपी लखनऊ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। वो लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में है। कोयम्बटूर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बैठक में आरएसएस की प्रांतीय इकाइयों के करीब 1400 निर्वाचित प्रतिनिधि और स्टेट यूनिट्स प्रमुख हिस्सा लेंगे, जिसमें कई संघ इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर फायरिंग की जा रही है। भारतीय जवान भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 3 मोबाइल फोन चोरी हो गए। यहां द्वारका सेक्टर 10 स्थित थाने में धोनी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पिछले दिनों जिस होटल में धोनी ठहरे थे उसमें आग लग गई थी। यहां से धोनी के 3 मोबाइल चोरी हो गए। जाट आरक्षण की आग अब हरियाणा से राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। 20 मार्च को जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई। इतना ही नहीं, आज रात 8 बजे के बाद कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो के दिल्ली बॉर्डर के भीतर आने और जाने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एट स्कीइंग ने स्कीइंग कैंप आयोजित किया। प्रतिभागी 14 युवाओं का पूरा खर्चा आर्मी ने उठाया है। इलाहाबाद में गैंगरेप पीड़ित ने थाने में हैवानियत की। थानेदार और दारोगा पर बलात्कार का आरोप है। एसपी ने दिए जांच के आदेश। आगस्त में एक बंद मकान में मिला वृद्ध का शव को देखकर गला दबाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हमीरपुर में बोर्ड परीक्षा में फेल होने के डर से छात्रा ने किया सुसाइड। छात्रा का शव है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच हो रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शनि बाजार चौक के पास एक ओला कैब ने 15 लोगों को कुचल दिया। शराब के नशे में धुत ओला कैब ड्राइवर राकेश ने गाड़ी का संतुलन खो दिया और भीड़ में जा घुसा। कालाढूंगी के छड़ायल नायाबाद में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में किसान ने कोर्ट में की खुदकुशी की कोशिश। जमीन के मामले में न्याय न मिलने से परेशान था किसान। रायबरेली में जमीनी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर किया एसिड अटैक। गंभीर हालत में घायल भाई को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने महिला सीआरपीएफ सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचित कर दिया। रामपुर में देर रात एसबीआई बैंक के 2 एटीएम में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें एक बच्ची की जलकर मौत हो गई। आशा पारेख ने भी तय किया है कि वो अपनी जिंदगी पर किताब लिखेंगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम द हिट गर्ल होगा, जिसको सलमान खान लॉन्च करेंगे। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अब डिजिटली काम करेगा। सीबीएफसी के ऑनलाइन हो जाने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म को डीवीडी के तौर पर फिजिकल फॉर्म में नहीं देना होगा।